जय सिया राम दोस्तों, अगर आपने इसके लास्ट पार्ट को नहीं देखा है तो उस पार्ट में भी जरूर देखना उस पार्ट को। तो इस पार्ट में मैं आप लोगों को हैंड को कैसे अच्छे से ड्रॉ करें कलरिंग, वही मैं दिखाऊंगा आप लोगों को। तो यहाँ पर मैंने पहले क्या किया, बेबी ऑयल अप्लाई किया, बाकी जैसे मैं लास्ट लेयर में इस तरह से अप्लाई करता हूँ। तो ये बेबी ऑयल अप्लाई करने के बाद उसको ब्लेंड करना होगा फिंगर से, और कॉटन ब्रश से भी कर सकते हैं। कॉटन ब्रश से करेंगे तो आपको सुबह से शाम लग जाएगी, बहुत देर हो सकता है, इसलिए मैं फिंगर से जो है ब्लेंड करता हूँ। उसके बाद क्या है, और जहाँ जहाँ पर और थोड़ा हमें डार्क करना होगा रेफरेंस फोटो में, आपको देखना होगा येलो कलर, आपको रेफरेंस फोटो में ऑब्जर्व करना होगा कहाँ पर कौन सा कलर है। ये तभी आएगी जब आप रेगुलर प्रैक्टिस करते जाएंगे, उसके बाद एक्सपीरियंस होगा तो धीरे धीरे आपको पता चलेगी, एक बार में ऐसा नहीं होता है। तो मैं इसे भी ब्लेंड कर दूंगा येलो कलर को। उसके बाद जो है ऑरेंज कलर और थोड़ा डार्क करने के लिए, जहाँ जहाँ पर और डार्क पार्ट है उस तरह से आपको लेयर वाइज लेयर से आप जिस तरह से रेफरेंस फोटो आप जितना ऑब्जर्व कर पाओगे उतने ही अच्छे से आप शेडिंग ब्लेंडिंग भी कर पाओगे। तो यहाँ पर मैं जहाँ जहाँ पर डार्क है उस जगह पर मैं शेडिंग करता रहा हूँ मीडियम प्रेशर से, हल्के हल्के से। आपको एक साइड से शेडिंग करते आना है, यह नहीं कि आप ऊपर से स्टार्ट किया थोड़ा उसके बाद बीच में छोड़ के नीचे से स्टार्ट किया, ऐसा नहीं। सीरियल बाय सीरियल करेंगे शेडिंग तो आपको बोरिंग भी नहीं लगेगी। और आप मुझे ये कमेंट में बताना, जब आप ड्राइंग करते हो तो उस समय आप क्या करते हो, मतलब आप म्यूजिक सुनते हो, मूवी देखते हो, कुछ भी जो भी सुनते हो, या आप फिर ऐसे ही ड्रॉ करते हो। अगर आप ऐसे ही ड्रॉ करते हो तो आपको क्या है, बहुत जल्दी बोरिंग लग जाएगी, आप ड्राइंग को हर बारी में गड़बड़ कर दोगे स्पीड बना के। इसलिए आपको बैकग्राउंड में आपको जो है माइंड को किसी और जगह पर व्यस्त रखना है, और आप धीरे धीरे करके शेडिंग करते जाना है। मैं भी इस तरह से करता हूँ, जो मुझे फेवरेट लगता है उसको सुनता हूँ और अपना काम करते जाता हूँ। और यह भी आपको काम यह भी आपको जरूरी है, जैसे कि ड्राइंग के लिए क्या बहुत ज़रूरी है, मटेरियल्स से ज़्यादा भी जरूरी, मटेरियल्स से ड्राइंग मटेरियल से ज़्यादा ज़रूरी है पेशेंस। तो वो कैसे है कि आप ऐसे ड्रॉ करोगे तो पेशेंस आप नहीं रख पाओगे, तो इसलिए आपको किसी अपने माइंड को किसी जगह पर व्यस्त रखना है, मतलब म्यूजिक हो या आपकी जो भी पसंद हो उस पर व्यस्त रखना है। तो मैं सीरियल बाय सीरियल ड्रॉ कर रहा हूँ, आप इसमें भी देखते जाओ। तो यहाँ पर मैं जो है डार्क करने के लिए और जो है लाइट सॉरी डार्क ब्राउन जो है डार्क ब्राउन कलर उससे मैं जो है यहाँ पर शेडिंग कर दे रहा हूँ जहाँ जहाँ पर डार्क पार्ट है आपको। तो उसके बाद इसे मैं कॉटन बार से अच्छे से ब्लेंड कर दूंगा। कॉटन बार से ब्लेंड करता हूँ तो जो है चारों तरफ फैल जाता है। और इसे अब फाइनल लेयर में हम क्या करेंगे, सॉफ्ट चारकोल पेंसिल से इसे डार्क के लिए शेडिंग कर देंगे मीडियम प्रेशर से। ज़्यादा प्रेशर अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है, हल्के प्रेशर अप्लाई करेंगे तो ही अच्छे से हो जाएगा। तो यहाँ पर जो है इसके ऊपर जो है हैंड के ऊपर माइक का जो है ये था, तो इसे मैं डार्क कर दूंगा पूरा। उसके बाद जो है कॉटन बार से भी ब्लेंड कर दूंगा, और इसे भी मीडियम प्रेशर से ब्लेंड करना है। तो ये है फाइनल। तो उसके बाद व्हाइट कलर से मैं जहाँ जहाँ पर व्हाइट पार्ट है उन जगह पर शेडिंग कर दूंगा। उसके बाद कॉटन ब्रश से इसके ऊपर ब्लेंड कर दूंगा, वो आप लोगों को देखने को नहीं मिलेगी। तो इस वीडियो में तो ज़्यादा नहीं बताऊँगा, नेक्स्ट पार्ट में मैं जो है क्लोथ का आउटलाइन ड्रॉ करूँगा। तो जय सियाराम, इस वीडियो में इतना ही।